राजनीति है। उनके परिवार ने धर्म के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा और अब जातियों के आधार पर बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उसको सबसे निचले स्तर पर ले जाते हुए अब वो मिस इंडिया में भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी खोज रहे हैं। वैसे तो ये निजी इवेंट है, कोई भारत सरकार का कोई प्रोग्राम या इवेंट नहीं है, परंतु राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जब से ये शुरू हुआ है तब से हर बैकग्राउंड की महिला, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब तरीके की महिलाएं जो है इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में जीतने का काम की है। और रिया टर्की हो, चाहे रिया इक्का हो, ये आदिवासी बेटियों को भी यहाँ पर यश प्राप्त हुआ है। ऐश्वर्या राय, जिनका मजाक और मखौल उन्होंने उड़ाया, वो तो मिस वर्ल्ड बनी और ऐश्वर्या राय खुद ओबीसी समाज से आती है। और निहारिका सिंह नाम की दलित बेटी भी इस इवेंट में जीती है। पर राहुल गांधी से सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि 60 65 70 साल आपका परिवार जब सत्ता में रहा तब आपने किसी आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति पद पर क्यों नहीं आने का मौका दिया? आज पहली बार अगर कोई आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है और वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान राष्ट्रपति बनी है। सवाल ये बनता है कि जब राहुल गांधी, जिनके अंदर इमरजेंसी का डीएनए है, जिसके परिवार ने संविधान को कुचलकर इमरजेंसी लागू की थी, जिसके अंदर इंडिया इज इंदिरा कहने वाला डीएनए है, मतलब कि अपने आप को भारत से ऊपर समझने का नवाबशाही बादशाही डीएनए है, आज जब वो संविधान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं तो ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यदि उनके केवल हाथ में नहीं मन में भी संविधान है तो उनको बताना चाहिए कि जो फैमिली एंड फ्रेंड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने अभी गठबंधन किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 फिर से लागू करेंगे। 370 फिर से लागू करना मतलब देश में दो संविधान होना, मतलब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू न होना, मतलब कि जो वहाँ के वाल्मीकि समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं उनको आरक्षण का अधिकार न मिलना। अब राहुल गांधी जी, अगर आप सही मायनों में केवल हाथों में नहीं मन में भी संविधान को रखते हैं तो एक बार बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो पर, इन बातों पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप इसका खंडन करते हैं या आप एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान और दो प्रधान चाहते हैं? राहुल गांधी हैज नाउ गॉन इनटू इवन द कास्ट प्रोफाइलिंग एंड रिलीजियस प्रोफाइलिंग ऑफ मिस इंडिया इवेंट्स आफ्टर कास्ट प्रोफाइलिंग हु वाज सर्विंग एंड हैविंग हलवा एंड दिस शोज दैट राहुल गांधी इज नॉट जस्ट अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, मेनी पीपल रिफर टू हिम एज बाल बुद्धि, but he is also a dishonest person. The fact of the matter is that Miss India events are not government of India events, they are private events. But since its inception, women of every background, Parsi, Christian, Hindu, Muslim, everybody has won this competition. And particularly because Rahul Gandhi is interested, Niharika Singh, a SC girl, has done well. Riya Turki and Riya Ikka from the Adivasi community have done well. And Aishwarya Rai, whom Rahul Gandhi mocked many occasions, she comes from the OBC community and she had won the Miss World title as well. So perhaps Rahul Gandhi should get his facts right, but his intention is not to actually do benefit of society, he only wants to divide society. And today when Rahul Gandhi speaks about Samvidhan, it is like the devil preaching scriptures. If Rahul Gandhi truly believes in Samvidhan, because we know that his veins has the DNA of emergency, we know that his veins have, the Congress's veins have the DNA of those who said India is Indira and Indira is India, keeping themselves above India. If he truly believes in the Samvidhan, he must tell us that when National Conference, the alliance that he has had recently, Jammu Kashmir, talks about reimposition of Article 370, that means that the Indian Constitution will not apply in Jammu Kashmir. Is he for it or is he against it? It means that the reservation and other benefits that have reached the Valmiki Samaj in Jammu Kashmir for the first time will not be given to them. Is he for the rights of Dalits or is he against it? He must tell us whether he stands with Article 370 as National Conference does or whether he stands with the Constitution of Babasaheb Ambedkar. देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना इस्तीफा देने के बदले, जवाबदेही देने के बदले और निष्पक्ष जांच होने देने के बदले लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि करूंगी मैं भ्रष्टाचार, चिल्लाऊंगी अत्याचार, एससी समाज से आने वाले गवर्नर पर करूंगी वार
और खेलूंगी विक्टिम कार्ड। ये 5,000 करोड़ का घोटाला मुड़ा स्कैम घोटाला किया गया, परिवारजनों को, अपने दोस्तों को प्राइम प्रॉपर्टी दे दी गई जो SC ST OBC समाज की थी। उसके अलावा वाल्मीकि घोटाला हो, चावल घोटाला हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाला हो, ऐसे अनेकों घोटाले करने का काम कर्नाटका की सरकार ने किया है। और जब एक गवर्नर उस पर कार्रवाई के लिए संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से उस पर इजाज़त देते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के नेता इवान डिसूजा उनको मारने की और बांग्लादेश स्टाइल परिणाम करने की धमकी देते हैं, कभी तो हम देखते हैं कि उनको नालायक कहने का काम कृष्ण बायरे गौड़ा करते हैं, और अब खुद सिद्धरमैया जी उनके संवैधानिक ज्ञान पर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब कि जब हंसराज भरद्वाज ये कदम उठाते येदियुरप्पा के खिलाफ, तब तो वो कदम ठीक था, पर क्योंकि थावरचंद गहलोत समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से, दलित समाज से आते हैं, तो उनकी बुद्धि और विवेक पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एंटी दलित, एंटी SC ST सोच को दर्शाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी हैज़ मेड इट एज हैबिट दैट दे विल डू संविधान का अपमान, SC ST समाज का अपमान, टू सेव भ्रष्टाचार की दुकान, एंड वेन एवर देर इज एनी एक्शन दे विल स्टार्ट शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप्स दैट दिस इज अत्याचार, अत्याचार। द क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ 5,000 करोड़ स्कैम इन विच द लैंड्स ऑफ SC ST OBC समाज हैव बीन लूटेड। Privately, they have benefited the family and friends of Siddaramaiah ji. This is not the only scam in Karnataka. We have seen Valmiki scam, rice scam, transfer posting scam, many scams taking place. Instead of accountability and taking resignation of Congress, of the chief minister, so that a fair probe can be initiated, they are attacking the governor. Sometimes Ivan D'Souza, the Congress leader, says that Bangladesh-style repercussions will happen to him. Sometimes it is said that he is nalayak by Krishna Bhairi Gowda. And now Mr. Siddaramaiah is challenging his intellectual abilities, he is challenging his constitutional knowledge. When Mr. Hansraj Bharadwaj had taken the similar decision for Yediyurappa ji, at that time the same Congress people were saying it is a correct move, and today they are criticizing it and they are attacking the governor. It only shows their anti-SC ST OBC mindset. Ali rajniti hai, unke parivar ne dharm ke aadhar par baata, भाषा के आधार पर बांटा, और अब जातियों के आधार पर बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उसको सबसे निचले स्तर पर ले जाते हुए अब वो मिस इंडिया में भी SC ST OBC माइनॉरिटी खोज रहे हैं। वैसे तो ये निजी इवेंट है, कोई भारत सरकार का कोई प्रोग्राम या इवेंट नहीं है, परंतु राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जब से ये शुरू हुआ है तब से हर बैकग्राउंड की महिला, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब तरीके की महिलाएं जो है इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में जीतने का काम की है, और रिया टर्की हो, चाहे रिया इक्का हो, ये आदिवासी बेटियों को भी यहाँ पर यश प्राप्त हुआ है। ऐश्वर्या राय जिनका मजाक और मखौल उन्होंने उड़ाया, वो तो मिस वर्ल्ड बनी, और ऐश्वर्या राय खुद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।